वालेकुम क्लास वन, हाउ आर यू ऑल? होप टू नो दैट यू ऑल आर फाइन एंड हैविंग द ब्लेसिंग्स ऑफ रमज़ान. स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास एंड आई एम योर टीचर आयशा अदनान. टुडे डेट इज 21/4/2021. इट मीन्स 21 अप्रैल 21st अप्रैल 2021 एंड डे इज वेनसडे. स्टूडेंट्स, वी हैव डन द लास्ट यूनिट ऑफ आवर फाइनल सिलेबस. ठीक है, द अर्थ, सन, मून एंड द स्टार्स. ठीक है, वी हैव डन द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस दिस चैप्टर. सो प्लीज टेक आउट योर साइंस नोटबुक एंड ओपन. वी हैव मेड द टाइटल पेज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस एंड यूनिट 11, द अर्थ, सन, मून एंड स्टार्स. एंड वी हैव डन 5 क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस यूनिट. ठीक है, टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर डूइंग द फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, आई हैव प्रिपेयर्ड इट फॉर यू. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द डेट 21/4/2021 वेनसडे एंड क्लास वर्क. ठीक है, राइट डाउन द हेडिंग ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द फर्स्ट फोर लाइंस विद योर ब्लू कलर. ठीक है, ओके, इज इट क्लियर? जी. राइट डाउन द fill in the blanks with write down the sentences with your pencil. Number one is the sun is a biggest dash, and we have to write the blanks with the blue color and underline it also with the blue color. The sun is the is a biggest. What is the sun? Yes, the sun is a biggest star. Write it with me. You have to take a pause of the video and write these sentences. ठीक है, नंबर टू इज द डैश गोज राउंड द अर्थ. हु गोज राउंड अराउंड द अर्थ? अर्थ के राउंड कौन ट्रैवल करता है? गुड, मून. और अर्थ जो है वो किसके अराउंड ट्रैवल करती है? सन के. गुड. और मून जो है वो अर्थ के राउंड ट्रैवल करता है. द मून गोज राउंड द अर्थ. नंबर थ्री इज the earth is dash than the sun. Earth is dash, bigger or smaller than the sun? Very good. Earth is smaller than the sun. The sun is the biggest than the earth and the moon. ठीक है, sun जो है वो earth और moon दोनों से बड़ा है, और earth जो है वो sun से छोटी है, और moon जो है वो earth से भी छोटा है. ठीक है, और sun सबसे बड़ा है और मून सबसे छोटा है, क्योंकि वो अर्थ से भी छोटा है. सही, ओके. नंबर फोर इज स्टार्स आर द बॉल ऑफ डैश गैसेस. गैसेस गैसेस का जो है वो की बॉल होती है, एक बॉल होती है स्टार्स. और वो किस चीज में, उनकी कैसी गैसेस होती है उसमें? हॉट गैसेस. जैसे हमने देखा है ना कि सन इज द बिगेस्ट स्टार, तो सन भी बहुत गर्म होता है ना. तो इसी तरह से सारे स्टार्स जो हैं वो हॉट गैसेस से बने हैं. नंबर फाइव इज द डैश इज द स्टार क्लोजेस्ट टू द अर्थ. सबसे क्लोज स्टार अर्थ से, हमारी जमीन से सबसे क्लोजेस्ट स्टार जो है वो कौन सा है? यस, द बिगेस्ट स्टार सन. सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ. ठीक. नंबर सिक्स इज द डैश डज नॉट हैव इट्स ओन हीट एंड लाइट. किसकी हीट और लाइट नहीं होती? सन की, मून की या अर्थ की? अर्थ की तो लाइट और हीट होती ही नहीं है ना. यस, मून की. मून हमें रोशन नजर आता है, लेकिन उसकी अपनी तो लाइट नहीं होती. वो कहाँ से लाइट लेता है? सन की लाइट उसके ऊपर आती है, वो रिफ्लेक्ट करती है सन की लाइट. वो कहाँ से लाइट लेता है? सन की लाइट लेता है मून. ठीक है, नाउ बाय द एंड ऑफ दीज फिल इन द ब्लैंक्स वी हैव कंप्लीटेड अवर यूनिट नंबर 11. वी हैव कंप्लीटेड अवर यूनिट नंबर 11, द अर्थ, सन, मून एंड द स्टार्स, विच इज द लास्ट चैप्टर ऑफ अवर फाइनल टर्म सिलेबस. ठीक, यू हैव टू लुक द फाइनल सिलेबस हियर. ठीक है, एक हम ओवरलुक करेंगे कि कौन से यूनिट्स हैं हमारे. 1, 2, 3. वी हैव ओनली 3 यूनिट्स इन द फाइनल टर्म एग्जाम्स.
यूनिट नंबर 8 साउंड्स, यूनिट नंबर 9 लाइट एंड शेडो, यूनिट नंबर 10 वेदर हमने स्किप किया है और ये हमारा 10 नहीं है, ये 11 है। ठीक है, 10 जो था ना वो हमारा वेदर था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। द अर्थ सन मून एंड स्टार्स जो है ये हमारा यूनिट नंबर 11 है, ये हमारा है। यूनिट नंबर 10 वेदर हमने स्किप किया है, ओके, क्योंकि वेदर जो है वो हम अपने सोशल स्टडीज में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपने कॉपी वर्क, स्टूडेंट्स नाउ टेक अ लुक ऑफ अवर कॉपी वर्क। हम अपना कॉपी वर्क देखेंगे कि फाइनल टर्म का हमारा कंप्लीट है कॉपी वर्क के नहीं, और जिस बच्चे के पास कंप्लीट नहीं है काइंडली अपनी मेरी कॉपी से हेल्प लेते हुए इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, यूनिट नंबर 8 है हमारा साउंड, दिस इज द साउंड, यूनिट नंबर 8 साउंड टाइटल पेज। वी हैव डन 3 क्वेश्चंस हियर ऑफ साउंड, दीज आर द 3 क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर्स, वी हैव डन द वर्कशीट फ्रॉम द एक्टिविटी बुक, फिल इन द ब्लैंक्स, एनिमल्स एंड देयर साउंड, एनिमल्स देयर साउंड्स। ठीक, ड्रॉ एंड राइट एनी 3 सोर्सेज ऑफ साउंड, दिस वॉज योर होमवर्क। ठीक है, हमने यहाँ पे ड्रॉ भी की थी 3 सोर्सेज ऑफ साउंड और उसको लिखा भी था। नाउ दिस इज आवर यूनिट नंबर 9 लाइट एंड शेडो, द टाइटल पेज ऑफ यूनिट नंबर 9 लाइट एंड शेडो, क्वेश्चन आंसर्स, 4 क्वेश्चन आंसर्स हियर एंड 1 इज हियर। ठीक है, 5 वी हैव दीज क्वेश्चंस आल्सो, नेम एनी 3 थिंग्स फ्रॉम विच लाइट कैन ट्रेवल थ्रू एंड फ्रॉम विच लाइट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द यूनिट 9 लाइट एंड शेडो। Now, our unit 11, we have done this unit in our online classes. ठीक है, तो kindly mention online classes in the title page, on the title page. ठीक है, हम title page पे इसको online classes को mention भी करेंगे. Unit 11, the earth, sun, moon and the stars. ठीक है, these are the question answers of this unit. 4 questions here. And the comparison difference between earth and moon is here. ठीक है, the last question, differences between earth and moon is here. And today we have done the fill in the blanks of our unit 11, the earth, sun, moon and stars. ठीक है, by the end of this chapter we have completed our final term syllabus. And I hope you are going to start the preparation for the final term exams soon. ठीक है, कोशिश कीजिए कि अपनी तैयारी भी शुरू कर दीजिए final term exams की। इस तरह से बेटे हम अपनी social studies, English और science का हम overview कर चुके हैं अपनी videos में, कर लेंगे और इस तरह से हमारी जो videos हैं वो हमारे जो syllabus है वो complete हो जाता है। ठीक है, हमने आज अपना साइंस का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, सोशल स्टडीज़ का भी लास्ट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी और इंग्लिश का भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, ओके, टिल मिलेंगे इंशाल्लाह, दुआ करेंगे कि हम आपसे मिलें जल्द अपनी फिजिकल क्लासेस में, और हमसे हमारे लिए दुआ कीजिएगा और अपने टीचर्स को भी दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह आप लोग ईद को भी इंजॉय करें। चलिए, टिल देन अल्लाह हाफिज़।